स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सतीश धनौदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे बद्दोआ टोल प्लाजा पर, और एक आपको बहुत बड़ी खबर दें, फिलहाल अभी अभी ताज़ा आते ही पता लग गया भाई, जाम लगा रखा है बद्दोआ टोल प्लाजा पर। किस वजह से जाम लगाया है बात करांगे जो आड़े की कमेटी है टोल की, तो आप एक बार देख लियो। 1 किलोमीटर लग लंबी लाइन लग रही है साधना की, क्योंकि एकदम कोई आदेश आया है उस करके यहां पर जाम लगा दिया है बद्दोआ टोल प्लाजा पर। अभी अभी एक कमेटी से बात करांगे कि किस उद्देश्य से लेकर यू जाम लगाया है। तो इस तरफ खड़े हैं टोल कमेटी की, तो उनसे बात करें। बद्दोआ टोल प्लाजा एक कमेटी के सदस्य है, उन कमेटी वाले सदस्यों से बात करांगे। यहाँ पे सबसे पहले सुनील, राम राम सुनील। जय जवान जय किसान साथियों, सबसे पहले आपके चैनल के और आपके चैनल के दर्शकों को राम राम, और लगातार जो आप 10 महीने से ये कवरेज कर रहे हो किसानों की, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आज तो यू जाम लगाया है, किस उद्देश्य से लगाया है? संयुक्त मोर्चा का लाई है या कोई और उद्देश्य लगाया गया जाम लगाया गया? संयुक्त मोर्चा के हमारे सदस्य साथी हैं, जो प्रवक्ता है हमारे रवि जाद भाई साहब, बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं युवा के, तो भिवाणी में और जो मैयड टोल वाले जो किसान साथी पकड़े गए थे कल कमल गुप्ता के चक्कर में, इस करके मेरा निवेदन है जितने भी किसान हैं यहाँ हरियाणा के हैं वो सभी साथी जाम करने का काम करें, क्योंकि उन्होंने जो उसमें मैयड टोल के किसानों को उठाया है, और जो जेपी दलाल ने कल हमारे किसानों पर वो किया है उसको लेकर हमने बंद किया हुआ, जो भिवाणी में किसान उठाए थे लोहारों में बंद करके हैं, तो अभी उसको मैसेज को लेकर ये हमारा मैसेज था कि 2 घंटे का संकेतिक हमारा बंद था, और उन्होंने ये कहा था जब तक उन किसानों को नहीं छोड़ा जाता तब तक हम इनको ये जाम लगाए रखेंगे। अच्छा, मतलब जो कल इशार वगट रहे थे उसको लेकर रही? हाँ, इशार वाली कभी, और आज सुबह जो अपने लोहारू से जो किसान साथी उठाए गए हैं जेपी दलाल का, जिन्होंने विरोध किया था, उन किसानों को उठाकर लोहारू थाने में डाल दिया था, उसको लेकर इन दोनों को लेकर हमारा ये संकेतिक जाम था, और इसका हम अभी हमारे पास मैसेज आया रवि जाद भाई का, अब खोलने की हमारी तैयारी है। अच्छा, और कोई ताज़ा खबर हो? कोई ताज़ा खबर तो जो संयुक्त मोर्चा हमारे को आदेश देगा उसके हिसाब से चलेंगे। कोई भी जेपी दलाल या आज सुना है गोपाल कंडा का नामांकन बढ़ाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराड़ा जा रहे हैं, वहाँ से भी हमारे किसान उसका विरोध करेंगे, और वहाँ भी कोई सरकार ने कोई गलत कदम उठाया हमारे किसानों पर तो भी हम बंद करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, एक खबर और सुनी थी कि कैथल में आज, यह खबर किस हद तक साची है? ये किसानों का इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन किसान हारने वाले नहीं हैं, ये कटियाँ कुड़ियाँ दे, ये तो नू देखा है भाई किसानों में कितना दम है, और हमारे किसान 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं, दम 2024 का नहीं, पूरे इतने तीनों काले कानून रद्द नहीं होते इतने हमारे में दम रहेगा और जीतेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी, राम राम जी, राम राम। अच्छा, के नया मैसेज आया जो आप बताना चाह रहे थे? अभी भाई रवि आजाद की कॉल आई है कि जो भी टोल जाम किए हुए हैं उन सभी टोलों को खोल दिया जाए। हाँ, जो हमारे साथी थे उनको छोड़ दिया है, साथियों छोड़ दिया। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो बहुत बड़ी खबर है भाई, जो किसान साथी पकड़े गए थे वह साथी छोड़ दिए हैं, थोड़ी देर में भी जाम न खोल देंगे, क्योंकि तकरीबन 1-2 घंटा हो गया होगा जाम लगाए न, आप तो मौका ही पहुँचे। हाँ, फिलहाल आप एक बार देख लो, बहुत दूर तक लंबी लाइन लगी है, ट्रकों की और साधन भी खड़े हैं। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ जय जवान जय किसान।